हेलो दोस्तों मैं विरिजय कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल है मल्टीपी स्टडी पॉइंट टू पॉइंट जीरो में स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोग जो आपका जो है आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम है उसको जो है आप लोग पहले ही अटैम्प में कैसे क्लियर किया करिएगा क्योंकि मैंने दोस्तों पहले ही अटैम्प में कैसे क्लियर किया वो अपना शेयर करेंगे और आप लोग को भी बताएंगे कि जो आप लोग जो है ग्रुप डी के एग्जाम को कैसे पहली बार में क्लियर करिएगा क्योंकि देखिए मतलब इतना भी आसान नहीं है कि जो आप ये सोचिएगा कि ग्रुप डी का ही एग्जाम क्योंकि आजकल आज जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है इसलिए जो है आपको सभी चीज़ जो है तौर तरीक़ा से पढ़ना जो है ज़्यादा जरूरी है इसलिए जो है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्रुप डी को जो है आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे क्लियर करिएगा क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहले ही इनका जिनका जो है पहला अटैम्प होगा और बहुत ऐसे लोग हैं जो दो तीन बार दे चुके होंगे लेकिन आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आप पहले ही अटैम्प्ट में ग्रुप डी कैसे क्लियर करिएगा जिनका भी एक बार दे चुके हैं या दो बार दे चुके हैं वो ये वीडियो देखिएगा तो ज़रूर आप पहली बार में सफल होइएगा बशरते इसे आप अपने पढ़ाई में जो है इस्तेमाल करिएगा तब ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखने से जो है आप सफल हो जाइएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला है दोस्तों कि रोज़ाना आप एक मॉक टेस्ट जो है अवश्य लगाए देखिए अब जो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो ऑनलाइन एग्जाम में ये होता है कि जो आपका जो है टाइमिंग टाइम जो है मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम आता है अगर आप मॉक टेस्ट अब रोजाना नहीं लगाते हैं तो आपको टाइम में भी दिक्कत होगा वहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा और सभी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व सही से नहीं कर पाइएगा ठीक है सही से दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये ऊपर में लिखा हुआ है रोजाना एक मॉक टेस्ट पहला जो है वो अवश्य लगावे और मॉक टेस्ट आप जो जो भी मतलब लगाते हैं हमने भी हमने भी मॉक टेस्ट लगाया था बहुत सारे आ, मतलब टेस्ट सीरीज दिए थे तो आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहे हैं जो आगे आपको बता दिया जाएगा कि ये अगर आप आप उसमें देख लीजिएगा आपको अगर अच्छा लगता है फिर भी एक दो टेस्ट उसमें दिया हुआ है अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप वो पहले दे लीजिए उसके बाद आ, उसे परचेस कर लीजिएगा जिसमें जो है हमारा कूपन कोड है एम एल टी पी टेन अगर आप यूज़ करिएगा तो उसमें जो है आपका छूट भी मिल जाएगा बीस प्रतिशत का तो आप देख लीजिएगा आपको अगर अच्छा लगेगा तभी आप परचेज करिएगा ठीक है और तो मॉक टेस्ट आप रोज़ाना लगाइएगा और कैसे उसमें मतलब टेस्ट खरीदना है कैसे क्या करना है वो आपको डिटेल्स हम उसी में बता देंगे ठीक है आज मैं आप लोगों के लिए इंडिया की पहली ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो और अपनी रैंकिंग जोन वाइज चेक कर सकते हो इस वेबसाइट का नाम है आपको पर आपको 260 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एन टीपीसी के लिए और 260 से ही ज्यादा मॉक टेस्ट आपको ग्रुप डी के लिए भी मिल जाएंगे यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और एक एक मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा आपने यहाँ पर तीन लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर का तो यहाँ रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है मोबाइल नंबर ईमेल और ख़ास करके यहाँ पर आप जोन सेलेक्ट कर लेना जिस जोन से आपने ग्रुप डी आई एन का फॉर्म डाल रखा है क्योंकि आपकी उस जोन की रैंकिंग आपको मॉक टेस्ट देने के बाद दिखाई देगी अभी यहाँ मॉक टेस्ट का प्राइस टू नाएं दिखा रहा है आपने यहाँ पे कूपन कोड जो है यहाँ पर यूज़ करना है आपको कूपन कोड यूज़ करिएगा एम एल ठीक है एम एल टी पी बीस परसेंट आपको छूट मिलेगा एम एल टी पी ट्वेंटी जो है आपको कूपन कोड हमारा है विदाउट स्पेस जो है आपको यूज करना है ठीक है यहाँ पर देखे अप्लाई कर दीजिएगा देखिए यहाँ दो सौ यानी आपका जो है साठ रुपया जो है आपको छूट मिल गया तो सब्सक्राइब नाउ कर पे दबा कर इस मॉक टेस्ट को खरीद सकते हैं तो देखिए मैंने एक मॉक टेस्ट दे दिया है तो यहाँ पर जोन मेरे को दिखा रहा है बिलासपुर क्योंकि मैंने बिलासपुर से रजिस्टर किया था यहाँ पर मेरे को जोन वाइज मेरी रैंकिंग दिखा रहा है मेरी 79 रैंक आई है 98 में से स्कोर 0.34 आया है क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने इस मॉक टेस्ट को दे दिया था यहाँ से आप ना किसी भी जोन की रैंकिंग चेक कर सकते हैं मान लो मुझे दिल्ली की चेक करनी है तो दिल्ली में क्या हिसाब है आप वो देख सकते हैं यहाँ पे आपको किसी भी जोन वाइज रैंकिंग देखने को मिल जाएगी जो कि अभी तक किसी भी मॉक टेस्ट में देखने को नहीं मिलती थी ये इंडिया की पहली वेबसाइट है जहाँ पे जोन वाइज रैंकिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप जाकर बाय कर सकते हो तो मॉक टेस्ट आप रोजाना लगा और कैसे उसमें मतलब टेस्ट खरीदना है कैसे क्या करना है वो आपको डिटेल्स हम उसी में बता देंगे ठीक है मॉक टेस्ट आपको रोजाना एक लगाना ही लगाना है ठीक है उसके बाद जो है अच्छे से आप जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए ठीक है अच्छे से एनालिसिस करने का मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें हमारा नंबर मतलब जैसे एक सौ है तो हमारा पैंसठ नंबर आया काट छाँट के जो है पैंसठ नंबर आया तो हमने पैंतीस नंबर तो मतलब कहीं ना कहीं गलती किया होगा या नहीं जान रहा होगा ठीक है तो वो पैंतीस नंबर को आपको ये करना है कि जो हमने मतलब कहाँ से गलती किया मतलब गलती तो कुछ ना कुछ होता ही है तो वो पहले गलती को सुधार करिए कि जो है हमने गलती कहाँ किया कि जो मेरा ये इतना रॉन्ग हुआ और हाँ गलती गलत लेने की जो है कोशिश कम करिए गलत कम तब होगा जब आप रेगुलर पढ़ाई करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा ठीक है तो उसको जो है अच्छे से एनालिसिस करिए और जो सेक्टर आपका जो कमज़ोर है जैसे आपका मैथ में ज़्यादा गलत हो रहा है या रीजनिंग में ज़्यादा गलत हो रहा है या जी का पोर्सन आपका ज़्यादा गलत हो रहा है और या साइंस का नोमेरिकल ज़्यादा गलत हो रहा है या करंट ज़्यादा गलत हो रहा है जो चीज़ ज़्यादा गलत हो रहा है उस पर ज़्यादा आप फोकस करिए और तो आपको जो है इससे मॉक टेस्ट से ये आपको डायरेक्ट पता चलता है कि आपकी कमजोरी क्या है है ना वो कमज़ोरी आपको उजागर करने में ये फ़ायदेमंद है और वहाँ से आप अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं और थर्ड है मेरा देखिए मैथ्स और रीजनिंग पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है देखिए 50 से 55 क्वेश्चन जो है मिनिमम 50 परसेंट क्वेश्चन जो है आपको मैथ्स रीजनिंग का ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखने को ही मिलेगा तो 50 से 55 क्वेश्चन रहता है तो रिज़ल्ट लाने के लिए आपको जो है एवरेज आप 70 प्रतिशत नंबर अगर वहाँ उठाते हैं ना तो आपका मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा ठीक है अगर आप सत्तर प्रतिशत नंबर उठाते हैं तो आपका रिजल्ट मतलब ज़्यादा संभावना रहेगा कि आ ही जाएगा तो इसलिए जो है आप लोग मतलब मैथ रीजनिंग पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करिए और इसमें जो है पचास क्वेश्चन है तो इसमें कम से कम पैंतालीस चालीस पैंतालीस के आसपास लाइए ठीक है तो मैथ रीजनिंग पर अच्छे से फोकस करिए जो भी चीज़ आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए जो भी यूट्यूब चैनल पढ़ते हैं कोई भी देखिए कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है बस आपको उनका लैंग्वेज समझ आना चाहिए और वो जो चीज़ बताते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए तो आप लोग के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स भी दस के आसपास रहता है आठ दस रहता है मतलब एडजेक्ट नहीं रहता है लेकिन आठ से दस क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स का रहेगा ठीक है।, है तो करंट अफेयर्स का भी आप एस uh, का पढ़िए चाहे मतलब मंथली आप लेते हैं वो भी आपका सही है या कोई भी यूट्यूब चैनल पर भी देख लीजिए वहाँ से भी आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जो मतलब एक ही मैं जो बताऊंगा वही मतलब पढ़ना है नहीं ऐसा नहीं है आप Uh, मतलब आप अगर एस लेकिन मतलब ज़्यादा ही कारगर रहता है हमने जहाँ तक हम हमारा अनुभव है क्योंकि हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं सब में लगभग लगभग एस ही पढ़ाई करते हैं तो उससे ज़्यादा ही वो कारगर रहता है तो दोस्तों क्वेश्चन दस क्वेश्चन रहता है तो करंट अफेयर्स के लिए आप एस पढ़िए या कोई यूट्यूब चैनल अभी तो उत्कर्ष क्लासेज रेगुलर जो है डेली का जो उसमें कराते हैं वो भी बहुत अच्छा है नेक्स्ट एग्जाम नाम के चैनल है आप वो भी पढ़ सकते हैं वो भी आपका काफ़ी अच्छा है तो और देखिए उसके बाद जो है करंट के बाद जो है आपका साइंस की है जो साइंस का तैयारी अब जो देखिए साइंस में भी आपका 25 से 30 क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जैक्ट यही रहे नहीं रहेगा मतलब 25 के आसपास क्वेश्चन अमूमन रहता ही रहता है जिसमें आठ आठ दस करके ऐसे तीनों साइंस रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो ज़्यादा जो है आपका मतलब नोमेरिकल भी आपका कुछ रहता है चार पाँच नोमेरिकल भी रहेगा जो कि ज़्यादातर फिजिक्स से ही रहेगा क्योंकि उसी से ज़्यादा नोमेरिकल बनता है तो साइंस की भी आप अच्छे से तैयारी करिए साइंस के लिए आप लूसेंट ले लीजिए या प्रीवियस ईयर की का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है वो ले लीजिए उससे ही नोमेरिकल पढ़िए तो आपको जो है देखिए नोमेरिकल में क्वेश्चन चेंज हो सकता है बाकी प्रोसेस और फार्मूला जो है वही रहेगा तो इसलिए जो है नोमेरिकल पर ज़्यादा ये नहीं है कि जो नोमेरिकल मेरा नहीं बनेगा ऐसा नहीं है मतलब आप लोग जो है ज़्यादा ये करिए प्रीवियस ईयर ले लीजिए सबसे बढ़िया जो है प्रीवियस ईयर का जो है ही मतलब नोमेरकल के लिए खास करके नोमेरिकल प्रीवियस ईयर के ले लीजिए बहुत अच्छा रहेगा और उसी से जो है आप लोग अच्छे से स्टडी करिए और जिस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी तरह का पूछेगा तो आप लोग भी कोशिश करिए कि उसी तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग ही स्टडी करें तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर आप लोग को प्रॉपर सभी सब्जेक्ट का जो है कैसे तैयारी करें वो उसका अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा बाकी अब अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा इंस्टाग्राम आई है बिजू कुमार बी के ठीक है बिरजू कुमार बी के आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करिएगा वहाँ से आप हमें मैसेज करिएगा हम जवाब देंगे हम नंबर भी अपना दे देते हैं लेकिन यहाँ नहीं देंगे वहाँ देते हैं पर्सनली आप हमसे बात कर भी कर सकते हैं अगर हम आपको लगता है कि हम आपको कुछ मतलब हेल्प कर सकते हैं तब ऐसा नहीं है कि जो हम मतलब ठीक है तो आप इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बहुत दिनों के बाद इस तरह का वीडियो आया है अब रेगुलर आप लोग को जो है एक दो दिन एक दो दिन पर इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपका जो है एग्जाम नज़दीक आ गया है ठीक है Uh, मार्च अप्रैल मई में एन का होगा जून जुलाई में आपका एग्जाम होने की एकदम प्रबल संभावना है तो इसलिए आप लोग जम के तैयारी करिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक केयर